वो आपको बताना चाहते हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं या विष्णु परिषद या भाजपा है, ये कभी भी राम मंदिर नहीं बनाएंगे और न राम मंदिर बनाने की इनमें भावना है। अभी आप देखिए, आरएसएस के लोग जोशी भैया जी, हमने जब साईं का विरोध किया, हम कर्नाटक गए, आंध्रा गए, तेलुगु देशम गए, तो हमारी बात का बड़ा असर पड़ा। भाई साईं हमारा भगवान नहीं है, संत नहीं है, पूजा नहीं होनी चाहिए। उस पर वो कहते हैं कि शंकराचार्य को साईं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ईश्वर का अंश है और हमारे बहुत से सेवक सेवक शेरजी के भक्त हैं। और अभी तो ये सुना है, हम पुष्टि तो नहीं कर पा रहे हैं, कि मोहन भागवत भी शरीर आ रहे हैं। तो एक तरफ तो आप राम जन्मभूमि राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और पूजा करने के लिए आप शिरडी जाते हैं। शिरडी मंदिर बनेगा, राम जन्मभूमि राम मंदिर बनेगा। और दूसरी चीज़ ये है, मोहन भागवत ने ये कहा था, जब ये फैसला हुआ हम लोगों ने इसकी पैरवी कर दी, ये साबित कर दिया कि जहाँ राम लला विराजमान है वो जन्मभूमि। तो उस पर उन्होंने कहा कि अब हम मंदिर बनाएंगे किंतु देवी देवता के रूप में नहीं, महापुरुष के रूप में बनाएंगे। तो हम लोग भगवान को महापुरुष तो मानते ही हैं, लेकिन महापुरुष के साथ साथ साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतार मानते हैं। और फिर आप समझ सकते हैं, आप भी सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये सोचिए कि भगवान राम आदर्श कब हुए, जब उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, जब माता पिता